पैसा आना चाहिए, सब एक ही अकाउंट में आना चाहिए। राम राम भाई सभी यूट्यूबर्स को। तो भाई आज के वीडियो में जैसा आपने टाइटल में देखा कि आप एक ही मोबाइल में कितने आपके यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं, वो आपका सही है या फिर गलत है, या फिर आपका चैनल सभी चैनल डिलीट हो सकते हैं, या फिर ये अगर आप प्रोसेस लैपटॉप में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा नया चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल आपको यहाँ पर सटीक जानकारी दी जाएगी। तो गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि एक मोबाइल में अपन कितने यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे बना भी लेते हैं, ठीक है। तो अब वो बनाने का तरीका क्या है? वो हाँ, अपन एक मोबाइल में बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं, 25, 30, 40, 50 जितने भी अकाउंट है वो बना सकते हैं, लेकिन उनका सही तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका सही तरीका क्या है, पहले मैं गलत तरीका बता देता हूँ, फिर अपन सही तरीका बताते हैं। तो अपन गलत तरीका इसमें क्या होता है, अपन गलती कहाँ करके बैठते हैं? गलती उस जगह हो जाती है जब अपन एक ही मेल आईडी से बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा अपन कर सकते हैं, अपने पास में अगर एक मेल आईडी है तो उसमें अपन 8-10 चैनल है वो बना सकते हैं, लेकिन वो अपना गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक मोबाइल में बहुत सारे YouTube चैनल है उनको लॉगिन करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका YouTube चैनल है हर YouTube चैनल के लिए अलग अलग मेल आईडी होनी चाहिए। एक मेल आईडी है उससे आपका एक ही चैनल बनाओ, दूसरी मेल आईडी लॉगिन है उससे आपका दूसरा चैनल बनाओ। और ये भी ध्यान रखना, जहाँ तक हो सकता है आप अपनी मेल आईडी के अंदर मोबाइल नंबर है वो भी सेम नहीं दे, क्योंकि मेल आईडी में फिर क्या होता है, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जैसे मैंने 3-4 चैनल थे, जैसे नया बनाने की जैसे सोचता था मेल आईडी के अंदर मेरे नाम से और मेरी डेट ऑफ बर्थ और वही सेम मोबाइल नंबर जैसे मैं बनाना चाहता था, तो वो मेरी मेल आईडी है वो भी फिर टर्मिनेट हो जाती है और यूट्यूब अकाउंट है वो भी डिलीट हो जाता था, कि सस्पेंडेड एक्टिविटी इस प्रकार से आता था कि आप गूगल की है उस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। तो जहाँ तक हो सकता है ये सब आपको अलग अलग ही रखना है, ठीक है। एक घर में 4-5 मोबाइल तो होते होंगे, तो वो आप वहाँ से उन सबको वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि एक मेल आईडी से 3-4 अपन वो सॉरी एक मोबाइल से अपन 3-4 मेल आईडी को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वह किस बारे में कि आप एक मेल आईडी आपको यूज नहीं करनी है। दूसरी देखो दिक्कत अपने को कहाँ आती है, जब मान लो एक और गलती अपन कर बैठते हैं, क्या होता है कि अपने अलग अलग मेल आईडी से अलग अलग यूट्यूब अकाउंट तो बना रखे हैं, लेकिन अपना जो एडसेंस अकाउंट होता है उसमें अपन क्या गलती करके बैठते हैं, एक ही एडसेंस अकाउंट होता है ना, उससे सभी यूट्यूबर्स जो भी अपने यूट्यूब अकाउंट है उन सबको जोड़ देते हैं कि पैसा आना चाहिए सारा एक ही अकाउंट में आना चाहिए। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक यूट्यूब चैनल का अलग एडसेंस अकाउंट है वो बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक एडसेंस अकाउंट बाई चांस किसी गलती से डीमोनेटाइज हुआ तो आपके सभी अकाउंट डीमोनेटाइज हो सकते हैं, अगर आपके एक अकाउंट में मिस्टेक हुई। अगर कब, जब आपने एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक कर रखे हैं सभी यूट्यूबर्स सभी यूट्यूब चैनल को। दूसरी, अपने सभी यूट्यूब चैनल है वो डिलीट भी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब अपन एक ही मेल आईडी से सभी यूट्यूब अकाउंट है वो बनाए हुए रहते हैं। तो क्या करना है आपको, अलग अलग मेल आईडी से अलग अलग यूट्यूब अकाउंट बनाना है, दूसरा अलग अलग एडसेंस अकाउंट है वो आपको अलग अलग अपने यूट्यूब चैनल में जोड़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।